Hello students, now today I will explain uses of microbes. Student, microbes always help human in different ways. First is to make household product. Second is industrial product. इंडस्ट्रीज में ऐसे कौन कौन से मेन प्रोडक्ट हैं जिन्हें माइक्रोब्स की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है. सबसे फर्स्ट है बेवरेजेस, सेकेंड एंटीबायोटिक्स, थर्ड केमिकल्स, एंजाइम्स, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स. दीज आर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विच कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप माइक्रोब्स. Now third is sewage treatment. Student, sewage treatment plant totally depend upon the microbes. Without microbes, sewage treatment is not possible. Now third is to produce the fourth is to produce the biogas. Fifth, biocontrol agents के रूप में भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं. बायो फर्टिलाइज़र के रूप में भी माइक्रोब्स का यूज़ हम लोग करते हैं. सो स्टूडेंट, दीज यूजफुल इफेक्ट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर वन बाई वन. नाउ फर्स्टली वी स्टडी द हाउस होल्ड प्रोडक्ट. स्टूडेंट, इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द कि हाउ माइक्रोब्स हेल्प टू प्रोड्यूस द हाउस होल्ड प्रोडक्ट. जैसे फर्स्ट है फॉर कर्ड फॉर्मेशन. स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज कर्ड? तो कर्ड इज अ सबस्टेंस विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मिल्क. मिल्क से कर्ड को बनाया जाता है. इट इज अ मिल्क प्रोडक्ट. तो स्टूडेंट, टेल मी विच बैक्टीरिया हेल्प टू चेंज द मिल्क इनटू कर्ड. तो स्टूडेंट, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस and lactic acid bacteria that is shortly called LAB grow in milk. Lactobacillus acidophilus और lactic acid bacteria जो milk में grow करते हैं और milk को convert कर देते हैं curd में. So student, firstly we take milk. Then we add some starter या inoculum. Inoculum या starter is the small amount of the curd which is added in lukewarm milk to convert into curd. Student, सबसे पहले milk को हल्का सा गर्म कर लेते हैं और फिर उसमें थोड़ा सा रखा हुआ पुराना curd या फिर थोड़ा सा हम अगर उसमें अगर हम उसमें स्टूडेंट्स कर्ड ऐड करते हैं और तभी ये मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो स्टूडेंट, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड इनटू ल्यूक वॉर्म मिल्क टू कन्वर्ट इनटू कर्ड इज कॉल्ड इनोकुलम या स्टार्टर. तो इसी को इनोकुलम या स्टार्टर कहते हैं. तो स्टूडेंट, मिल्क में जब स्टार्टर ऐड किया, स्टार्टर में ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं. अब वो मिल्क में पहुंचने के बाद और मल्टीप्लाई करते हैं और इनका नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और फिर ये मिल्क में लैक्टोज नाम का जो शुगर होता है
वो उस शुगर को डाइजेस्ट करने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज को फिर वो पायरविक एसिड में चेंज करेंगे और पायरविक एसिड को फिर वो लैक्टोज फर्मेंटेशन प्रोसेस से चेंज कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। तो स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड जब बन जाता है तब ये मिल्क धीरे धीरे कर्ड में चेंज होने लगता है। तो स्टूडेंट, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प टू प्रिपेयर द कर्ड फ्रॉम द मिल्क। नेक्स्ट स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द हाउ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया चेंज द मिल्क इनटू कर्ड। सो दिस इज लैक्टोज प्रेजेंट इन मिल्क। दिस लैक्टोज शुगर इज यूज बाय बैक्टीरिया एंड डाइजेस्ट इट इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंड व्हेन ग्लूकोज इज फॉर्म्ड देन दिस ग्लूकोज इज यूज्ड एज फूड एंड दिस ग्लूकोज फर्स्टली चेंज इनटू पायरविक एसिड। दिस प्रोसेस कॉल्ड द ग्लाइकोलिसिस। और पायरविक एसिड then change into lactic acid with the help of lactofermentation process, and this lactic acid when formed then milk change into the curd. So student, in this way you can understand how this bacteria help to make the curd. So now some important points related to this process. Bacteria like lactoacid bacteria, that is also known as LAB, which partially digest the milk protein also, जो milk protein को भी digest करता है, and they produce lactic acid and coagulate milk into curd. और ये lactic acid को milk में convert कर देते हैं। तो student, these bacteria also add the nutritive value by increasing vitamin B12. अब bacteria की help से ही curd में जो nutritive value है वो increase हो जाती है, क्योंकि इसमें vitamin B12 भी add हो जाता है। Next student, when we take the curd, then lab help to check the disease causing microbes इन स्टमक। जब हम लोग कर्ड को डेली यूज़ करते हैं तब ये इसके अंदर जो लैब बैक्टीरिया है ये हम लोगों की बॉडी में एंटर कर जाता है और वहाँ पर वो आने वाले डिजीज़ काउजिंग माइक्रोब्स को चेक करता है, रोकने का कोशिश करता है, और स्टमक में ये उन सभी बैक्टीरिया का वहाँ पर उन सभी को रोक देता है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, लैब एंड कर्ड बोथ आर यूजफुल फॉर आर लाइफ। थैंक यू।